मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, लास्ट डे वाला वीडियो अपलोड नहीं किए थे? नहीं यार, लॉट नहीं किए थे। आज उम्मीद तक कर देंगे दोनों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। एक चाहिए क्या? 1 मिनट सर, बोल रहे हैं कोई ऐसा बच्चा से प्रोवाइड करवा दीजिए ना जो सारा क्लास का लिंक मुझे दे दे यूट्यूब का। मेरा वो क्लास बहुत छूटा हुआ है तो बहुत दिक्कत होता है आगे की चीज समझने में। बैचलर ऑफ आईटी वाला ग्रुप भाई, तुमको आईटी वाले ग्रुप में उस दिन दिया गया था, तुम तो अपने नहीं लेते। अच्छा, एक चीज मुझे भाई, उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ। अपना नंबर भेजो, ऐड करवा देते हैं, चैट बॉक्स में नंबर दो। ओके, ये क्वेश्चन ये बच्चा किससे पूछा था? सर से। तो बाकी बीच में आप लोग अननेसेसरी ये जो भाई भाई ये जो करने हैं, जैसे घर में बात कर रहे हैं, घर में सब कोई बात करता है, तो उस तरह कीजिएगा। तो उस तरह फिर या तो हम क्लास से रिमूव कर देंगे, जिनका भी अननेसेसरी हम ऑन देखेंगे, ठीक है? तो उसका क्या क्वेश्चन था, हम क्या बोलने वाले थे, ना तो आपसे वो पूछा क्वेश्चन और ना तो वो आपसे जानना चाहा, उसका मेरे पास जो सॉल्यूशन था मैं सॉल्यूशन उसको देता। तो आप बिना मतलब के बीच में ऐसे मत पढ़ने दीजिए। अगर एक एक करके सब भाई भाई करने लगा तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा और सीधे पढ़ाते रहूंगा, आप हैंडरेज करोगे, क्या करोगे, पूरा ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है? किसका क्वेश्चन था वो अभी जो पूछा था? सर मेरा आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, BSCIT DBMS नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है सर। आपका क्लास का मिला हुआ है, अदर सर का नहीं मिला हुआ। बाकी क्लास का बाकी सर से मिल लीजिएगा, ठीक है? चलिए उनसे पूछ लीजिए। सर आपकी क्लास में परेशानी नहीं होगी? मेरा सारा प्लेलिस्ट सर को कितना बार बोले? हाँ तो सर से बोल देना, प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में आपको लाइन से वीडियो मिलेगा, वो ले लीजिएगा। कल वाला शायद नहीं अपलोड हुआ है और आज वाला, तो दोनों मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। चलिए तो हम लोग अब आते हैं, हैंड डाउन करो रोहित कुमार। चलिए, नोट्स जो था आप लोग को, नोट्स तो ये जो हैंड रिटन नोट्स है जो SQL के बारे में पिछले दिन बताए थे, वो तो आपको शेयर कर चुके थे, वो पहले भी शेयर कर चुके थे। शायद जो बच्चे नए जुड़े हुए होंगे तो उनको वो पहले वाला वीडियो नहीं गया होगा, तो वो नोट्स भी मैं आज शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि SQL क्या है, SQL में जनरली होता क्या है कि SQL में बहुत सारा आपको डेटाबेस पर काम करने से रिलेटेड कमांड्स है, और उस कमांड्स को हम लोग कैटेगराइज भी किए थे, है ना? DDL, DML, DCL, TCL, चार भाग में कैटेगराइज भी किए थे हर एक कमांड को। तो यहां तक कैटेगराइजेशन हम लोग पढ़े थे, और एक चीज बताया थे कि SQL को दो टाइप से हम लोग अगर कैटेगराइज करेंगे तो एक होगा इंटरैक्टिव और एक होगा एम्बेडेड, ठीक है? इंटरैक्टिव में आपको अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंटरैक्टिव पढ़ेंगे, यानी कि डायरेक्टली हम लोग जो भी काम करेंगे वो डेटाबेस में डायरेक्टली जाके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई करेंगे। एम्बेडेड में हम लोग जो भी डेटाबेस पर काम करेंगे वो एक इंटरफेस के जरिए करेंगे, यानी कि उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होगा, दोनों को कनेक्टिविटी करेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इंटरैक्टिव अभी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटरैक्टिव। लास्ट में जो कैटेगराइजेशन बच गया था वो था आपको TCL, तो वो हम लोग देखते हैं। आइए मैं नोट्स ओपन करता हूं और फिर वो देखते हैं।
सीधे हम लोग आ जाते हैं, ऐसा करते हैं सीधे हम लोग 45 पेज में आ जाते हैं। तो यहाँ से पहले तो ये कैटेगराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। आप इस नोट्स को हम आज एक शेयर कर देंगे, जो पीछे वाले होंगे वो अपने हिसाब से आप तरीके से उतार लेंगे, है ना। इसमें अगर कोई स्पेलिंग गलत भी होगा तो आप उसको उतार लेंगे। तो डीडीएल में मैंने बताया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें आपको कमांड ये सब होता है। डीएमएल बताया था आपको, उसमें ये सारा कमांड्स है। डीसीएल बताया था जिसमें आपका ये तीनों कमांड्स था। और लास्ट में जो आपको बच गया है टीसीएल, ये होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होता है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, या ट्रांसमिशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट इसमें ज्यादातर आपका होगा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें कंट्रोल करेंगे। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि आप डेटाबेस में जब यूजर बनाते हो, किसी को यूजर बनाते हो डेटाबेस में, यानी कि उसको आप यूजर को प्रायोरिटी देते हो। एक मिनट, डेटाबेस पर हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस को हम लोग सिक्योर करते हैं, है ना, और यानी कि सिक्योर करते हैं और उसको हम लोग ऑथराइज्ड करते हैं, किसी भी यूजर को ऑथराइज करते हैं, और किसी भी ऑथराइज्ड यूजर को हम लोग उसके परमिशन को क्या करते हैं, रिवोक करते हैं। परमिशन देते भी हैं, परमिशन ग्रांट भी करते हैं, और परमिशन रिवोक भी करते हैं। जैसे मैंने आपको डेटाबेस पर काम करने के लिए आपको परमिशन दे दिया, आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, और एक ऑथर ये भी दे दिया, रिस्ट्रिक्शन भी दे दिया कि आप सिर्फ उस डेटाबेस पर जाके क्या करोगे, सिर्फ एंट्री करोगे, अपडेट ये सब नहीं करोगे। तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा के लिए दे दिया, हो सकता है फिर आपको हम परमिशन, आपको कुछ भी नहीं काम करने का, यानी कुछ डेटाबेस पर आप कुछ नहीं करेंगे, वो छीन भी सकते हैं। तो ये परमिशन ग्रांट करने का और परमिशन रिवोक करने का आपके पास क्या होना चाहिए, कमांड होता है। और वो कमांड आपको किस में आता है, टीसीएल में। दो कमांड है इसमें, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट से हम लोग परमिशन देते हैं यूजर के लिए, और रिवोक से हम लोग परमिशन छीनते हैं यूजर से। तो ये दोनों कमांड, यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड कमांड्स आपको आ जाएगा किस में, टीसीएल। इतना ही कमांड्स आपको पढ़ना है बारी बारी से, क्लियर है। तो ये आप नोट्स कर लीजिएगा, है ना। एसक्यूएल क्या है, यहां से आपका हो जाएगा। एसक्यूएल क्या है, यहां से आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है। एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, है ना, और एसक्यूएल के कमांड्स को हम लोग कैटेगराइज किए हैं 4 टाइप्स में, ठीक है। अब SQL को, कमांड को, SQL सिर्फ कमांड्स दिया है डेटाबेस पर काम करने से रिलेटेड, लेकिन इसके हाँ डेटाबेस से रिलेटेड ये आपको कमांड्स दिया है, लेकिन ये सारा कमांड्स का एक प्रॉपर सिंटेक्स होगा, ठीक है। सिंटेक्स आप समझते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज पढ़ते होगे, सी पढ़ते होगे, तो उसका एक सिंटेक्स होता होगा कि अगर आपको वेरिएबल लेना है तो पहले डेटा टाइप लेते हैं इंट, उसके बाद वेरिएबल का नेम लेते हैं, और सिंटेक्स को फॉलो करते हुए भी आप आगे जाके वेरिएबल बनाते हो। तो दो भी चीजें आप पढ़ते हो प्रैक्टिकली, तो उस प्रैक्टिकल को इंप्लीमेंट करने से पहले उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को फॉलो करके हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रांट का एक सिंटेक्स होगा, क्रिएट टेबल का एक सिंटेक्स होगा, उस सिंटेक्स को, उस सिंटेक्स के अनुसार हम उसको लिखेंगे। बट लिखने के लिए इस कमांड को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास क्या है, कौन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे,
कौन एक्सेल कोई बोला जी, एक्सेल भी बोला है क्या? ओरेकल क्या यूज करेंगे? ओरेकल। ओरेकल तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ओरेकल को इंस्टॉल करता है, ठीक है? आपके पास ओरेकल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो आइए ओरेकल सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिनके पास सिस्टम होगा, है ना। और ओरेकल का वर्जन मैं आपको बता देता हूं, अब इसको बंद कीजिए, आइए नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, नोटपैड में ओरेकल आपको होता है लाइसेंस्ड वर्जन, यानी कि इसको आपको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इसका आता है एक्सप्रेस एडिशन, क्या आता है? एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है, एडिशन। एक्सप्रेस एडिशन में आप काम कर सकते हो फ्रीली, आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अगले क्लास में लिंक मैं दे दूंगा कि कहां पर उसका इंस्टॉल, कहां से आप इंस्टॉल करेंगे, लिंक मुझे अभी मालूम नहीं है कहां पर वो है, तो या तो आप खुद से भी खोज लेंगे, या अगर नहीं मिलेगा तो अगले क्लास में मैं वो लिंक दे दूंगा आपको कि वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब आप जानते हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग वर्जन होता है, ठीक है ना। तो ओरेकल का भी वर्जन है आपका, पुराना वर्जन के बाद छोड़िए, पहले आता था 8i, 9i, इस तरह आता था, ठीक है। फिर ओरेकल जब 10 हुआ तो आने लगा आपको ओरेकल 10g, आई हट गया, 10g, 11g, इस तरह आने लगा। अब ये पुराना वाला वर्जन तो आप छोड़ दीजिएगा, इसको मत डाउनलोड करेंगे, इसमें से कोई वर्जन आप डाउनलोड कर लेंगे, 10G, 11G, 12C, कुछ भी वर्जन आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास हो सकता है कि 10G होगा या 11G होगा, तो जो भी वर्जन आप डाउनलोड करेंगे सारा कमांड इस पर एग्जीक्यूट करेगा, ये आप नहीं करेंगे, तो आपको 10G या 11G डाउनलोड करना है। एक बार मैं थोड़ा सा नेट पर इसको ओपन सर्च करके देखता हूँ, शायद मिल जाए, और हम लोग ओपन करते हैं पेज। 19CVC का वर्जन है, यस, उतना जाने की जरूरत नहीं, अगर मिलता है तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। 12 के बाद 12C, 13C इस तरह आया है। सर डाउनलोड कौन सा करना है? 11G कर लो, एक्सप्रेस एडिक्स काम कर जाएगा, अच्छा से काम करेगा, 11G कर लो। ओके सर, डाउनलोड ओरेकल सर 19C करने का जरूरत है या नहीं है? मत करो, 10G कर लो, अच्छा से काम करेगा। देखो ओरेकल 10G डाउनलोड फॉर विंडो 10 एक्सप्रेस एडिशन, क्या डाउनलोड करना है? एक्सप्रेस एडिशन, देखो, या 11G होगा तो 11G भी कर सकते हो, यानी 10G या 11G कर लो, ठीक है सर। विंडो ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन शायद यहाँ पर मिल जाए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ये है डाउनलोड ओरेकल डेटाबेस एक्सी, फ्री डाउनलोड डेटाबेस, ठीक है। ये सी दिखा रहा है, यस सर, 21C है। 21C हम लोग को दूसरा हम लोग डाउनलोड करेंगे, खोज लेंगे, उसे खोजना पड़ेगा, 10G एक्सप्रेस एडिशन कहाँ मिल जाएगा वो हम लोग देख लेंगे कि मिल जाएगा। ये तो डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है इसका, ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, तो ओरिजिनल पर हम लोग को नहीं जाना है ये पर, तो फिर आपको पुराना वाला देख लेंगे ना, ओरेकल 10G ओरेकल एक्सी नहीं चाहिए।
कहीं पेज पर खोल लीजिएगा, कहीं पर आपको मिल जाएगा, तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ये सब वही भेज दे रहा है ना, ओल्डर वर्जन इसमें दे नहीं रहा है 12 GB। अगर मैं इसको डाउनलोड करूं 21C सारा 21C दे रहा है। प्रायर रिलीज आर्काइव, इसमें देखते हैं हम लोग। प्रायर रिलीज आर्काइव में लिनक्स के लिए यूज नहीं, विंडो के लिए है ना। और एकल एक्सप्रेस 10G एक्सप्रेस एडिशन दिखा रहा है सर, कहां पर है वो लिंक मेरे पास भेज देना, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। इसमें तो MySQL आ गया, आर्किटेक्चर 32-bit वर्जन 10G। हाँ, वो सर्च कर लीजिएगा एक बार, फिर सर्च में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगले क्लास में हम लिंक बता देंगे कहाँ पर मिलेगा, एक बार हम ध्यान से सर्च कर लेंगे, तब आपको ये कर लेना है। चलिए, तो अभी मैं इंस्टॉल करना आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे सर्च। अब लिंक हम भेज देंगे, खोजने में टाइम लग जाएगा, इसी खोजने में कहाँ है। तो मेरे पास इंस्टॉल है, पहले मैं उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपको होगा ना। अनइंस्टॉल करके मैं इंस्टॉल करके आपको बता दे रहा हूँ। Oracle हम लोग खोजेंगे, Oracle.net है, ये देखिए Oracle मेरे में भी 10G ही है, तो इसको हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं पहले। चलिए इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। सर हम लोग लेटेस्ट जनरेशन वर्जन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्या लेटेस्ट वर्जन हो सकता, बहुत सारे टूल्स को आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप डाउनलोड भी कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा और जो कमांड जैसे काम करेगा वो काम कर लेगा, तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी वर्जन को यूज कर सकते हैं, है ना। उसमें कोई इशू नहीं है कि कौन सा वर्जन क्या यूज करें, हमको कमांड एग्जीक्यूट कराना है। और जो कमांड आप यूज करेंगे वो कमांड 10G में नहीं, सबसे इसका ओल्डर वर्जन होगा, वहां पर भी ये सारा कमांड काम करेगा। मुझे ओरेकल के फीचर से मतलब नहीं है, मुझे है कि मेरा SQL का कमांड सारा जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। सर मोबाइल में भी हो जाएगा? चेक कर लेना, मैंने नहीं चेक किया मोबाइल में। ओके, ऑनलाइन रन करा सकते हो, मोबाइल में देख लेना हाउ टू रन ऑनलाइन ओरेकल कमांड, SQL कमांड्स यूजिंग ओरेकल को यूज करके कैसे हम लोग SQL कमांड्स को मोबाइल में रन करा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोई अगर प्लेटफॉर्म देगा तो वहां रन करा के देख ले सकते हो कैसे टेबल सिलेक्ट काम करता है, कैसे कोई कमांड काम करता है प्रैक्टिकली।
तो मेरे ख्याल से अब ये अनइंस्टॉल हो चुका है ओरेकल, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। पहले मनाओ कि सॉफ्टवेयर होना चाहिए मेरे पास। अगर कोई आसपास रहते हैं तो आके सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं कॉलेज जाकर, है ओरेकल? ओके सर। है ये देखिए यही है आपका ओरेकल exe5, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब जानते ही हैं आप, थोड़ा बहुत इसमें कहाँ कहाँ मुझे चेंजिंग करना होगा वो चीज इसमें समझेंगे, ठीक है। तो अब मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको। देखिए कोई सेंड किया है मेरे पास लिंक, वो लिंक मैं आपके पास दे रहा हूँ, शायद यहाँ से मिल जाए वो लिंक, आप देख लीजिएगा एक बार। कंट्रोल सी ये सर भेजे हैं, ड्राइव लिंक है ओरेकल डेटाबेस 11। वो सिर्फ मेरे पास आया है तो मैं आप सबके पास भेज देता हूँ, ठीक है। ये लिंक आप देखे होंगे, देख गया होगा आपके चैट बॉक्स में, वो लिंक से आप एक बार खोल के देख लेंगे। ये क्या है, 10G है इसमें, 11G है, कौन सा वर्जन है? 11G, ठीक है। तो इसको आप एक बार ओपन कर लीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा, अभी नहीं, अभी पहले समझिए कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, यस, सर उससे भी नहीं खुल रहा है। नेक्स्ट, चलिए ठीक है, बाद में हम देख लेंगे वो सब, हम लिख भेज देंगे अगर नहीं खुल रहा है। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है इसका लाइसेंस एग्रीमेंट जो सब में करते हो आप, एक्सेप्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं आपको करना है, एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट फोल्डर आपको सी देगा, तो सी ही छोड़ देंगे आप, जो सिस्टम फोल्डर है आपका, ब्राउज मत करके चेंज मत कीजिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड, यही पासवर्ड आपको एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का बाय डिफॉल्ट क्या नाम है? सिस्टम नाम है, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरे एडमिन का यानी डीबीए का पासवर्ड हम लोग डाल रहे हैं, एडमिन का पासवर्ड। एडमिन आप जानते हो क्या होता है, तो मैं यहां पर कुछ भी डाल दूंगा, 123, 123, ठीक है। ये पासवर्ड आप डाल दीजिएगा जो याद रखिएगा, सिस्टम का पासवर्ड है। नेक्स्ट, इंस्टॉल।
थोड़ा ये समय लेगा। एक और लिंक कोई भेजा है तो उस लिंक को भी मैं देख रहा हूं, भेज दे रहा हूं आपको, इस लिंक पर भी ट्राई कीजिए। चलिए तो ये अब फिनिश इसको कर देते हैं, फिनिश इंस्टॉल हो गया आपको। अब इसको ओपन करना है, क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो मेरे पास आपको, एक तो ये खुल गया, आपको सबसे पहले खोलना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही आपको खुलेगा, और खुलेगा आपको ब्राउजर में। किसमें खुलेगा, ब्राउजर में। ब्राउजर आप जानते हैं, कोई भी आपके पास ब्राउजर होगा तो ब्राउजर में ओपन होगा। ऐसा नहीं कि ब्राउजर में ओपन होगा तो आपके सिस्टम में नेट होने की जरूरत है, नहीं, नेट की जरूरत नहीं है, ये ऑफलाइन ही खुलेगा, हमको ऑनलाइन कोई काम इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, बारीकी आप कैसे शुरुआत से खोलेंगे ये मैं बताता हूँ। ये टर्म्स भी मैं आपको लिखते जाता हूँ, और मेरे पास कहीं लिखा हुआ होगा, उस टर्म्स को ही आपको एक एक करके बताते जाऊंगा और खोल कर दिखाऊंगा। इलेवन जी का है, ठीक है, इलेवन जी, टेन जी, कुछ भी आप खोलो। दो तरीके से हम लोग खोलते हैं, एक खोलते हैं ब्राउजर में और एक खोलते हैं कमांड में, यानी डॉस मोड में। तो पहले हम लोग चलते हैं ब्राउजर में। सबसे पहला है, आपको सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर विंडो 10 होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो स्टार्ट बटन पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं दोनों में से कोई, और सर्च करना है आपको इंस्टॉल। ऐसे आपको डेस्कटॉप पर आ गया होगा, ये देखिए, लेकिन इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। आप जाएंगे और लिखेंगे गो टू, ठीक है, डेटाबेस होम पेज, गो और टू के बीच स्पेस दे दें, गो टू डेटाबेस होम पेज। और जो भी आप लिखेंगे, पूरा लिख सकते भी हैं या फिर आप आधा भी लिख सकते हैं, तो आपको आने लगेगा। ये सब नहीं, ये सब नेट पर आपको सर्च करवाएगा, सर्च खोएगा, ये गो टू डेटाबेस होम पेज, ये देखिए सॉफ्टवेयर है, ये सर्च वाला नहीं आना चाहिए, गो टू डेटाबेस होम पेज पर आप क्लिक करेंगे। देखिए ब्राउजर में ओपन हो रहा है, और यही हुआ था ना, ये आपको स्क्रीन शो करेगा, यहां पर मैंने दिखाया है जो लिखा हुआ है आपका, क्लिक ऑन गो टू डेटाबेस होम पेज, सर्च बॉक्स में जाना है, दूसरा स्टेप ये शेयर कर देंगे, क्लिक ऑन गो टू डेटाबेस होम पेज।
अब इसमें यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना है, तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट आप 11G 10G ये सब यूज कीजिएगा, तो बाय डिफॉल्ट होता है सिस्टम, पहले आता था टाइगर लेकिन अब क्या आता है सिस्टम, तो आपको यूजर बनाने की जरूरत नहीं है, यूजर पहले से आपको दिया हुआ है सिस्टम, आप लिखेंगे सिस्टम, ठीक है। पासवर्ड जो आपने इंस्टॉल करते समय सेट किया, ठीक है, तो मैंने सेट किया था 123 और उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन पर, ठीक है। अब ये खुलेगा, अब देखिएगा यहां पर टाइप यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड क्लिक लॉगिन बटन, अब लॉगिन पर चले गए, उसके बाद आपको आ जाना है एसक्यूएल में, कहां आना है एसक्यूएल में, और उसके बाद आ जाना है आपको एसक्यूएल कमांड्स में, ठीक है, यहां पर आ जाना है। यहां पर देखिए बता रहा है यूजर आपको सिस्टम, यहां पर आपका टेबल कोई भी कमांड का क्वेरी लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट देगा आपको, यहां पर ये आउटपुट हो गया और ये आपको क्वेरी लिखने का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे मुझे टेबल बनाना होगा तो अभी तो बताएं कुछ कमांड नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग करेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम जैसे हम लोग रख देंगे ईएमपी और टेबल का कॉलम रख देंगे ईएमपी आईडी पैर कैर टू, ये सब आगे बताएंगे लेकिन अभी हम सिर्फ दिखा दे रहे हैं कैसे रन करेगा, और उसके बाद नेम पैर कैर टू 20, सेमी कॉलन आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल पार्ट है, नहीं भी देंगे या दे भी सकते हैं, उसके बाद रन, टेबल आपका बन गया, ठीक है। टेबल में रिकॉर्ड एंट्री, टेबल क्रिएटेड, टेबल आपका बन गया, दिखाएगा नहीं स्ट्रक्चर की कॉमा और बॉक्स ये सब बनेगा नहीं, टेबल बन गया है, आप टेबल को डेस्क कमांड के थ्रू देख सकते हैं, डेस्क टेबल, डेस्क टेबल का नाम हमने क्या रखा है ईएमपी, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए टेबल का नाम इंप्लॉई आईडी है और ईएमपी आईडी इसका क्या है कॉलम है ये है, तो इस तरह से आप यहां कमांड लिखेंगे और कमांड को रन करेंगे तो यहां आपको आउटपुट देगा, क्लियर है। और इसमें हम लोग सेव भी कर सकते हैं, तो सेव क्या करेंगे पहले ये समझना है, सेव हम लोग क्वेरी करेंगे, ये क्वेरी टेबल तो ऑलरेडी आपको सेव हो गया है, ठीक है, ये क्वेरी सेव करेंगे कि फर्दर अगर आपको इसी तरह का टेबल बनाना होगा तो फिर से ये क्वेरी लिखना नहीं पड़े, इसी में कोई चीज चेंजेज कर दे सकते हैं, तो क्वेरी आप सेव कर सकते हैं, सेव पर जाएंगे और एक नाम दे देंगे, है ना, जैसे टेबल वन नाम से इसको दे देंगे, जो भी आपको नाम रखना है नाम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि क्या है टेबल क्या नहीं है और सेव कर लेंगे। ये आपका दूसरे दिन आपका शेव्ड एसक्यूएल में सेव रहेगा, इसको बंद करना है आप लॉग आउट हो जाइए और फिर आप बंद कर, फिर से ओपन करते हैं, गो टू, रोज रोज आपको काम है, अब देखिए गो लिखे आ गया ये तो आप सिस्टम में देख लीजिएगा, इसको ओपन करना है, सिस्टम और पासवर्ड 123, ठीक है, एसक्यूएल एंड एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे और यहां पर आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, सेव्ड वाला कल वाला निकालना, जैसे कल नहीं आज ही किए थे, सेव्ड एसक्यूएल में जाएंगे और ये देखिए आपका निकल जाएगा, टेबल वन नाम से सेव किया था, इस पर क्लिक करेंगे ये क्वेरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले तो अभी हम लोग टेबल पर काम करना सीखेंगे, अपना यूजर भी आप बना सकते हो,
जरूरी नहीं है कि सिस्टम पर ही करें, सिस्टम इसका मेन यूजर है। जैसे कंप्यूटर का मेन यूजर होता है एडमिन, फिर आप तीन चार यूजर बना लेते हो, ये भी यूजर वो भी यूजर ओपन करते हो, तो यहां पर भी मेन यूजर है सिस्टम। आप अपना यूजर भी बना के काम कर सकते हो। जैसे इस कंप्यूटर का तीन चार लोग यूज कर रहे हैं, तो सारे लोग अगर अपना डेटा सिस्टम पर भी बनाएंगे तो सारे लोग क्या करेंगे, सारे लोग आपके डेटा को देखेंगे, वो भी अपना टेबल सिस्टम पर ही बनाया है, वो भी अपना टेबल सिस्टम पर ही बनाया है, तो आप क्या करेंगे कि आप सिस्टम तो एक मेन मेन हो गया, उसके बाद आप अपना अपना लोग यूजर बना के भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यूजर बनाने के लिए भी यहाँ कमांड है, तो जब हम लोग कमांड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम लोग एक यूजर पर काम करेंगे। तो ये हो गया। अब यहां पर आते हैं कि हमने बताया था आपको कि पहले मैं आपको टेबल पर काम करना सिखाऊंगा, टेबल बनाना नहीं, टेबल पर काम कैसे करेंगे। यानी कि सबसे पहला कमांड जो मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा आपको सेलेक्ट कमांड। क्रिएट कमांड नहीं, टेबल बनाने का नहीं, बना हुआ टेबल पर कैसे काम करेंगे। तो सेलेक्ट कमांड पर काम करने के लिए, रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए पहले से टेबल बना होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से टेबल बना होना चाहिए, तो इसमें हम लोग खोजेंगे कि क्या वो टेबल है जो मेरे काम करने लायक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फ्रॉम टैब, इसमें हालांकि नहीं है, मैं जानता हूं मैं यूज किया हूं, बट फिर भी आप लोग को हम लोग देख लेते हैं रन। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि मैंने इसको सेलेक्ट ऐसे, क्योंकि जब आपके स्क्रीन पर यहां पर क्वेरी सेगमेंट में मोर देन वन क्वेरी हो जाएगा तो आपको फिर सेलेक्ट करके रन कराना होगा, ठीक है, सेलेक्ट करके रन कराना होगा। कुंदन कुमार अब पूछेंगे नहीं, अब सीधे रिमूव करेंगे, चलो तुमको रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और तब रन करेंगे। ऐसे रन कीजिएगा, आपको देखिए क्या देगा, इनवैलिड। इसको पता नहीं है कि इसमें तीन क्वेरी है, वन टू थ्री, किसको रन कराना है। तो जब मोर देन वन क्वेरी हो जाए तो आप उस क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। इतना टेबल है, ये तो सिनोनिम है, सिनोनिम तो अभी हम लोग बनाने के लिए कुछ सीखे नहीं, ये टेबल है। और इस टेबल में, एक टेबल में हम देख लेते हैं कोई मेरे काम लायक नहीं है, छोटा छोटा टेबल बना हुआ है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है इस टेबल में। है ही नहीं, खाली टेबल बनाया है, डेटा है ही नहीं। तो इस यूजर में कोई टेबल नहीं है जिसपे हम लोग काम कर सकते, क्लियर है। तो अब फिर कहिए, तब तो सर हम लोग को अपना यूजर बनाना पड़ेगा और अपना यूजर पर हम लोग को काम करना पड़ेगा, पहले यूजर बनाना सीखेंगे फिर टेबल बनाना सीखेंगे तब काम करेंगे, नहीं। ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है ये प्रैक्टिस करने के लिए सॉफ्टवेयर दिया है, एक्सप्रेस एडिशन है, ये जेन्यून नहीं है जो कंपनी में यूज होगा, उसके लिए आपको लाइसेंस खोजेगा। ये है कि आपने जिसको सीखना है वो सीख सकता है कि कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो एक यूजर ये और दिया है एचआर नाम से, इस नाम से दिया है, एचआर नाम से एक यूजर दिया है, ठीक है। अब उस यूजर के थ्रू ही हम लोग अपना सारा काम करेंगे, अभी भी हम यूजर बना नहीं रहे, ये पहले से दिया हुआ है एचआर यूजर। तो उस एचआर यूजर को लॉक है, हम लोग अनलॉक करेंगे। तो यहां पर आपका है हाउ टू अनलॉक एचआर यूजर, एचआर यूजर को हम लोग कैसे अनलॉक करेंगे। तो इस यूजर पर अब हम काम करेंगे, ठीक है। पर्पस क्या है कि इस यूजर में पहले से एक टेबल बना हुआ है जो बार बार हम आपको दिखाते थे थ्योरी क्लास में, इंप्लॉई, और वो इंप्लॉई इस यूजर में है, सिस्टम यूजर में नहीं है, तो हम लोग उस इंप्लॉईज पर काम करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं और फिर से मैं इसको क्लोज करता हूं, लॉग आउट, फिर आप लॉग इन करेंगे, ये गो टू डेटाबेस होम पेज करेंगे, ये सारा चीज करेंगे तो आपको इस तरह आएगा, वो तो बता दिए हैं। और यहां पर आपको डालना है सिस्टम,
उसके बाद पासवर्ड 123 और लॉगिन। अभी एसक्यूएल में नहीं जाएंगे, अभी हमको क्या करना है कि एचआर यूजर जो पहले से ये बना के दिया हुआ है उसको हम लोग अनलॉक करेंगे। तो वो यूजर होगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, किसमें होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और इसमें आ जाएगा आप डेटाबेस यूजर और यहां पर देखिए एचआर बना हुआ है और आप अपना भी बनाइएगा ना ऐसे बनते जाएगा जितना यूजर बनाइएगा। तो एचआर यूजर को हम लोग देख लेते हैं, ये ताला लगा हुआ है यानी लॉक किया हुआ है। तो अब हम लोग एचआर यूजर को अनलॉक करेंगे, तो डबल क्लिक इस पे करेंगे और ये देखिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा। अब एचआर यूजर का भी पासवर्ड आपको डालना होगा, हर एक यूजर का पासवर्ड होगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप जो सिस्टम का है वही रखना चाहते हो या अलग रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं वही रख देता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ डेटा सिक्योर नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, तो भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो 123 इसका भी रख देते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लेंगे बट वो याद आपको रहना चाहिए 123 और 123। अकाउंट स्टेटस हम लोग अनलॉक कर देंगे और इस यूजर को सारा प्रिविलेज देंगे कि सारा काम हमारा हो, इसी यूजर में हम लोग सारा काम करेंगे एचआर में, फिर अपना यूजर बना के अपना में यूजर में भी करेंगे। तो हम लोग इस सारे प्रिविलेज को चेक कर देते हैं और सारे को अगर चेक करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं ऐसे, और फिर हम लोग यहां से कर सकते हैं चेक ऑल, ठीक है ना। अब इसमें सारा काम हम लोग करेंगे और फिर आपको क्लिक करना है ऑल्टर यूजर। अब एचआर अनलॉक हो गया, ठीक है, अब अनलॉक हो गया तो फिर से अब लॉग आउट हो जाइए, क्लोज। अब शुरू कीजिए आप गो टू डेटाबेस होम पेज, ठीक है। अब आपको सिस्टम खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली अब आपको एचआर पर काम करना है तो एचआर लिखिए और पासवर्ड आपको जो आपने सेव किया है जो एचआर का पासवर्ड है वो देंगे। तो एचआर का भी मैंने 123 ही दिया अपने सिस्टम में, लॉग इन एसक्यूएल, अब तो एसक्यूएल में आना है, फिर एसक्यूएल कमांड्स, और अब जो यूजर शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, एचआर शो कर रहा है। यहां पर हम लोग कमांड लिखेंगे और यहां पर रन करेगा सेम टू सेम। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि टेबल है हमारे काम लायक, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम टैब काम लायक, ये प्रैक्टिस करने के लिए एचआर यूजर दिया है, यूजर के सीखने वाला प्रैक्टिस करिए। देखिए इतना टेबल है आपको, उसमें से एक व्यू भी है, तो बताया था कि व्यू बनाना भी सिखाएंगे आगे। तो एक टेबल बना बनाया है आपको, इम्प्लॉई जॉब डिपार्टमेंट्स लोकेशन कंट्रीज रीजन। तो सबसे पहले कि इम्प्लॉईज बहुत बड़ा टेबल है, इसी पर हम लोग काम करेंगे, सेलेक्ट ये देखिए, और रिकॉर्ड इसमें और भी है लेकिन कम ही रिकॉर्ड शो कर रहा है, इसलिए कि डिस्प्ले में हमने डाला है 10। तो इसमें कर दीजिए आप जितना कर दीजिए 200 कर दीजिए, तो 200 से अगर ज्यादा होगा तो 200 दिखाएगा लेकिन कम होगा तो सारा दिखा देगा, रन। तो ये देखिए इतना बड़ा टेबल तो आप शुरू में बना नहीं पाते, वही 4, 2, 3 रिकॉर्ड लेके बनाते रहते हैं, 10 रिकॉर्ड लेके बनाते रहते हैं, तो ज्यादातर आपको देता नो डेटा फाउंड नो डेटा फाउंड। तो ये मेरे पास बड़ा टेबल है और इस टेबल पर हम लोग कैसे रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, यानी कि सबसे पहला कमांड यही बताएंगे हम, और ये है रिकॉर्ड को एक्सेस करना। दैट मीन जिसका सैलरी 24,000 है उसको दिखाओ, जिनका ईमेल आईडी जिनका एम्प्लॉई आईडी 100 से लेके 103 तक है उनको दिखाओ, यानी कि सारा दिखाने का काम इसमें करेंगे। तो ये होगा सेलेक्ट कमांड, और जब ये सारा सेलेक्ट कमांड का यूज हम लोग इस टेबल पर सीख लेंगे तब हम लोग अपना टेबल बनाएंगे और जो इस टेबल पर सीखे हैं वो अपना टेबल पर वही रूल अप्लाई करेंगे। तो ये पर्पस था मेरा सेलेक्ट पहले बताने का, क्लियर है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, सॉरी बंद कर दिया क्या, कट हो गया, चलिए
फिर से ओपन करते हैं। ये अनलॉक कैसे करते हैं और अनलॉक करके फिर खोलने के लिए आपको बता ही दिए डेटाबेस, और अब यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, ठीक है, यूजर नेम HR, और ये आपको सारा बता दिए हैं, वीडियो भी दिखा दिए हैं, और इस तरह आप करेंगे ये। क्लियर है? यस सर। तो अब अगले क्लास से हम देखेंगे कि अगले क्लास में तो पहले ये बताएंगे कि कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक एक कमांड को पढ़ना सेलेक्ट से, और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब तक सेलेक्ट सीख ना लेंगे। तो कमांड पर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम लोग रन कराएंगे। अब जो घर में जिनको लैपटॉप होगा वो इंस्टॉल करेंगे, जिनको लैपटॉप नहीं होगा उनको प्रॉब्लम होगा तो बंद करना यार, तुम लोग के इतना समझाते हैं। प्रिया ये क्यों ऑन रखी हो तुम माइक, कुछ पूछना है? तो जिनके पास अगर लैपी की सुविधा नहीं होगा तो वो मोबाइल में देख लेंगे कि कैसे रन करता है, क्योंकि रन करवाएंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हवा में नहीं ना होगा कि ऐसे होता है, आप तो देख तो दिखा तो देंगे, लेकिन खुद से आप रन करके थोड़ा बहुत चेंज करके आप ये करके आपको रन करवाएंगे। तो सी का प्रोग्राम भी तो आप रन कराते होंगे, है ना, पाइथन प्रोग्राम पढ़ेंगे तो रन कराते होंगे, जो प्रैक्टिकल चीज होगा उसके लिए तो आप रन करवाते हो, तो यहाँ पर भी वो आप कर लेंगे। तो आई होप जिनका होगा वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रन करा लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और वीडियो में डाल दूंगा, इंस्टॉल कर लेंगे, HR यूजर अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। अब हो सकता है 12C में आपको HR यूजर नहीं दे, 21C में HR यूजर नहीं दे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस पे हम लोग करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास टेबल ये मिल जाएगा, इसीलिए मैं कहा कि 11G या 10G आप इंस्टॉल कर लें। क्लियर है? चलिए, और मेरे पास अगर लिंक आएगा तो मैं भी आपको लिंक भेज दूंगा। ओके सर, ये वाला मिटवाते डाल दीजिएगा क्या सर, आपकी ड्राइव में अपलोड करके हम लोग को लिंक भेज दीजिए ना। ठीक है, ठीक है, मैं बोल ही रहा हूँ, मैं अगर देखूंगा भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये वीडियो आज ही डाल दीजिएगा ना। ठीक है, ठीक, 5-6 बजे तक डल जाएगा ये। आप पेड वर्जन यूज करते हैं क्या सर?